इवनिंग फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, तो मार्केट लेके आएंगे साड़ी और कुछ वैसे कपड़े जो लेके आने हैं। तो अभी मार्केट के जा रहे हैं, बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं ला रहे, बच्चों के सिर्फ बेटे के तो कपड़े आ गए हैं कुछ, और पीयू के लाएंगे संडे तक, देखते हैं संडे को जाएंगे फिर दोबारा मार्केट हम लोग, क्योंकि एकदम से फिर समझ नहीं आता और लेट भी काफ़ी हो गए हैं। 4:30 हो रहे हैं इस टाइम पे, तो 3:30 हो रहे हैं सॉरी। तो अभी जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी टाइम ले जाएगा। सारी शॉपिंग वहीं से होगी जो पहले साड़ी हमने जहाँ से ली थी सादरा से। तो चलिए फिर मिलते हैं वहाँ पर ही आपसे। तो यहाँ सादरे से बस यहाँ पर टर्न करते हुए ही तो हम के अंदर ही पार्किंग में कर देंगे, और पार्किंग में इसलिए करते हैं क्योंकि कपड़े वगैरह भी हैं, तो वैसे वहाँ पर जगह नहीं होती गाड़ी वगैरह खड़ी करने की, तो पार्किंग में कर देंगे। वहाँ बाइक खड़ी करने की जगह भी दिक्कत होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है मार्केट में। तो मैंने चलो भाई चलते हैं, और फिर आज मैं ब्लॉगिंग घर से शुरू नहीं कर पाई थी इसलिए मैंने यहीं से शुरू कर दी क्योंकि ब्लॉग भी बनाना ज़रूरी है। तो ये देखिए आ गया सातरा, बस चल रहे हैं सातरा की तरफ। तो बस यहाँ पर मैं अब कर देंगे हम पार्किंग में गाड़ी, क्योंकि कहाँ करेंगे इसलिए पार्किंग में कर देंगे टेंशन फ्री होके। तो ये मेट्रो स्टेशन है, उसके अंदर ही है पार्किंग। तो यहाँ पर जैसे काफ़ी लोग रहते होंगे जो दिल्ली में, तो जानते होंगे कि ये मार्केट कैसी है, और काफ़ी सही लगा मुझे रेट वगैरह भी। तो काफ़ी मतलब यहाँ पर गाड़ी, अभी हमने शॉपिंग कर ली है और जो वहाँ देने के लिए हमें कपड़े चाहिए थे हमने वो ले लिए हैं, और फिलहाल में बस बेटे के लिए ड्रेस ली है, पार्टी वेयर जो ले ली थी हमें। अभी कुछ और कपड़े जो आने हैं वो अभी हम लेके आएंगे संडे को, देखते हैं ठीक है। और अभी काफ़ी लेट हो गया है, बज गए हैं 6:30, और घर जाके भी खाना बनाना, बस ये सबसे बड़ा टास्क होता है, सबसे करना कठिन भी घर जाए काम करना है। अभी मार्केट से कुछ और शर्ट वगैरह भी लेने हैं जो वहाँ देने के लिए हमें चाहिए थे कपड़े। तो चलिए फिर मैं अभी आके मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो रखा था, बहुत ज़्यादा रश हो रखा है यहाँ पर भी। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ थोड़ी देर में, मिलती हूँ आपसे। तो पीछे सारी कपड़े रखे हुए हैं, थोड़ी नीचे रख दिए इन्होंने सारे। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर। तो काफ़ी रात ही हो गई है, तो अब इसके बाद तो सीधे जाएंगे घर, कपड़े वगैरह पूरे हमने शर्ट वगैरह भी ले ली है रास्ते से जहाँ से हम लेते हैं। तो बस चलते हैं घर पे, अब घर पे चलते काम। अभी ये सारी शॉपिंग होके आई है, तो बस मैं अभी कपड़े चेंज करूँगी। पीयू सॉरी पीयू की भी शॉपिंग नहीं हुई है, तो अभी फिलहाल में हम नई शॉपिंग कर लिए। ये हैं जो काफ़ी हैं जो मैंने सेट बना कर रखा हुआ है, ये तो साड़ी वगैरह भी हैं। चलो दिखाती हूँ थोड़ी देर में, दिखाती हूँ मैं आपको। तो बस जस्ट कपड़े चेंज करे हैं और खाने की टेंशन हो रही है क्या बनाना है, क्योंकि खाने का सबसे बड़ा टारगेट होता है। तो आज सुबह से गेस्ट भी कोई आ रखे थे, तो वो चार भी गए हैं करीब, इसमें क्या रखते हैं तो चलो, तो इसमें रखा मक्खी का आटा, और मैंने कहा चलो भाई इसके बाद बनाती हूँ नमकीन चावल, क्यों समझ ही नहीं आ रहा कि इस टाइम पर क्या बनाऊँ, और क्योंकि ना कहीं से आने के बाद तो कुछ भी हिम्मत नहीं हुई। तो मैंने कहा चलो नमकीन चावल बना लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, तो चलते हैं काम, और हम आज क्या क्या लेके आए हैं। आज मैं हो सका तो मैं लास्ट जिस दिन हम जाएंगे उस दिन मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या शॉपिंग करी है, और आज क्या शॉपिंग हुई है हमारी। आज हमारी शॉपिंग हुई है मतलब हम पैंटे वगैरह लेके आए, और साड़ियाँ तो थोड़ी सी आ गई थी, थोड़ी साड़ियाँ आज लाए हैं, 4-5 साड़ियाँ आ जाई हैं, और कई साड़ियाँ जो उस दिन साड़ियाँ आ गई थी वो पता किस साड़ी आई थी वो आई थी। और फिर देने के लिए लहंगा लेके आए, क्योंकि हमें ना सूट समझ नहीं आया, तो मैं कहा लहंगा या गाउन देख लूँ, तो गाउन भी सूट समझ, लहंगा मुझे काफ़ी सुंदर लगा, तो मैं लहंगा लेके आई उनके लिए जिन्हें हमें देना है। तो चलिए करती हूँ कुकिंग में, चलते हैं किचन में और काम होते हैं काम, क्योंकि भाई टाइम भी काफ़ी हो गया। और इधर ये टांग देती हूँ कप वगैरह, क्योंकि अभी कोई आया था तो चाय वगैरह पीने, तो उसी काम में लगे हैं। तो अब मैं बनाऊँगी नमकीन चावल, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आता था जाने के बाद, तो हिम्मत बिल्कुल नहीं होती खाना बनाने की, मुझे काम से करना है। तो मैं अभी कर लेती हूँ सामान निकाल लेती हूँ। तो अभी इनके रोवा पिछली चल रही है, क्योंकि पीयू की गिफ्ट लौड़े कुछ भी पीयू ने ड्रेस नहीं आई है, तो पीयू अभी बैठती है। पीयू दिखाना जरा क्या खा रही है, पीयू दिखाना जो देते हो आपको देरी सोचा तो पीयू ने चिड़ी हुई थी, तो उसके पापा भी क्या चीज दिलवा के लाए हैं, तो आराम से बैठ गई क्योंकि बहुत ज्यादा चढ़ाई दी है, क्योंकि अभी तो बेटे के ही खबर आ रहे हैं कुछ भी नहीं आया। तो मैंने कहा कि मुझे कुछ समझ सा नहीं आया तो मैं आप लेके आऊंगी। तो चलिए चलते हैं खाना बनाते हैं, ये लो कोल्ड ड्रिंक का और लड़की रोने में चलिए फ्रेंड्स अपना क्या किचन में। माइंड मत करिएगा कि बाहर पैंट पड़ी हुई है, क्योंकि बच्चे जब घर में होते हैं तो अब मैं नहीं थी तो उसका थोड़ा हो जाता है बैग ऐसा,
और तो मैं चलो तो मैं रख बना रही थी राइस, और क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा क्या बनाना है। तो चलिए इसके बाद मैं यही ब्लॉग का एंड कर दूँगी, ज़्यादा ब्लॉग बड़ा नहीं करूँगी। अगर मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइएगा। और पीहू आज हो गई थी काफ़ी चिड़चिड़ी। तो चलिए यहाँ मेरे राइस बन के तैयार बनने वाले हैं, तो मैं चलो दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा। इधर राइस बन के तैयार हुए हैं, तो चलिए रख लेते हैं खाना।